प्रधानमंत्री आपको अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे, पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो जात है, एक अमीर और एक गरीब, तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं, दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को ये नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में, ये जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। दूसरी बात, जो हमने 2011 में सर्वे किया था उसके आंकड़े वो देश के सामने रख दे, मामला हल हो जाएगा। ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, ये सवाल देखिए, ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, ये हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों का है। तो भाषण में प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं ओबीसी हूं या मैं ओबीसी नहीं हूं, ये रेलेवेंट ही नहीं है। रेलेवेंट ये है कि इस देश के कितने लोग ओबीसी हैं, वो रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको ओबीसी नहीं मिलेंगे, दलित नहीं मिलेंगे, आदिवासी नहीं मिलेंगे। आपको मैंने 90 जो हमारे आईएएस ऑफिसर देश को चलाते हैं उनका उदाहरण दिया, उधर आपको सिर्फ 3 मिल रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में आपको ओबीसी, दलित, ट्राइबल नहीं मिलेंगे। तो मैं ये सवाल उठा रहा हूं,